हेलो बच्चों, तो आज हमारा डे वन है ग्राफिक डिजाइनिंग वर्कशॉप का बाय स्किल एंड टैलेंट एजुकेशन। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग होता क्या है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग, तो जब भी आप कोई भी डिजाइन देखते हो, फिर वो चाहे न्यूज़पेपर में हो या चाहे टीवी में हो या चाहे कोई गेम में हो या चाहे कोई भी प्रोडक्ट की डिजाइन हो, कोई बॉक्स हो, कोई विजिटिंग कार्ड हो, कोई पोस्टर हो, कोई ग्रीटिंग कार्ड हो, कहीं पे भी आप देखोगे तो आपको कोई ना कोई डिजाइन दिखेगी, है ना। तो ये सारे डिजाइन जो बनाते हैं उसको कहते हैं ग्राफिक डिजाइनर। तो ये सारे डिजाइन हम कैसे बना सकते हैं और इसका एक शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं, वो हम आज इस वर्कशॉप में सीखेंगे। ओके एवरीवन, तो आप सब रेडी? चलो शुरू करते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग वर्कशॉप का डे वन। तो बेसिकली आज हम ये सीखेंगे कि हम कौन से टूल यूज करके हमारा डिजाइनिंग, हमारी जो लर्निंग प्रोसेस है वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको उस टूल के बारे में बताऊंगा जिसका हम यूज करने वाले हैं। आपको सबको स्क्रीन दिख रही है मेरी, हाँ कि ना? तो सबसे पहले आपको अपनी डिजाइनिंग सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा गूगल पे। कहाँ जाना पड़ेगा बच्चों? गूगल पे। चलो गूगल पे जा सकते हो आप। ओके, यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा कैनवा। तो कैनवा जो है वो एक डिजाइनिंग टूल है। कैनवा जो है वो क्या है? एक डिजाइनिंग टूल। ये एक ऐसा डिजाइनिंग टूल है जहां से हम कोई भी तरह के डिजाइन बना सकते हैं। तो कैनवा जो है ये आप मोबाइल में भी ओपन कर सकते हो या फिर आप अपने लैपटॉप या पीसी में भी ओपन कर सकते हो, www.canva.com। तो ये मैं इस पे क्लिक करता हूं। जैसे ही मैं लॉग इन करूंगा मैं कुछ ऐसे यहां पे पहुंच जाऊंगा। क्या दिख रहा है आपको? होम पेज। क्या दिख रहा है बेटा आपको? एक होम पेज दिख रहा है सबको। तो ये आप जब भी पीसी यूज करके डिजाइनिंग करोगे तो आपको ऐसा कुछ होम पेज दिखेगा। अगर कोई कह रहा है कि सर मुझे पीसी से नहीं मोबाइल से करना है, तो वो मोबाइल से भी कर सकता है। तो मोबाइल से अगर आपको इस टूल का यूज करना है तो आपको प्ले स्टोर में जाके इसी नाम की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। तो देखो मैं प्ले स्टोर में जा रहा हूं और प्ले स्टोर में जाके, गूगल प्ले स्टोर में जाके मैं सर्च करूंगा कैनवा, है ना। तो कैनवा सर्च करूंगा मैं तो मुझे ये वाली ऐप दिखेगी, कैनवा डिजाइंस। तो ये जो ऐप है इसको मैं डाउनलोड कर लूंगा, इंस्टॉल कर लूंगा और उसी तरह से मैं साइन इन साइन अप कर लूंगा, है ना। तो अभी आप हम यहां पे आ गए होम पेज में। तो कैनवा में हम कैसे डिजाइंस बना सकते हैं, हम अलग अलग तरह के, आप जहां पे देख सकते हो कि आप यहाँ पे प्रेजेंटेशंस बना सकते हो, यहाँ पे आप इंस्टाग्राम पोस्ट बना सकते हो, A4 साइज के डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो, पोस्टर्स बना सकते हो, किसी कंपनी के लोगोस है तो वो आप डिजाइन कर सकते हो, स्टोरी या फिर बैनर डिजाइन कर सकते हो, अलग अलग टाइप की बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो, मतलब एंडलेस थिंग्स, है ना। तो अभी आज हम कुछ बेसिक से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे सीखेंगे कि हम अलग अलग चीजें कैसे डिजाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो आपको एक सबसे सिंपल चीज डिजाइन करनी है। तो आज हम सीखेंगे कि आप एक सिंपल बर्थडे विश, किसी को भी अगर आपको बर्थडे विश करना है तो आप थोड़ा उसको एक बर्थडे कार्ड अगर दोगे तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। सिर्फ हैप्पी बर्थडे का मैसेज करो, इससे अच्छा आपका कोई फ्रेंड है, आपके मम्मी पापा है, आपके कोई रिलेटिव है, उनको अगर आप बर्थडे का पूरा एक कार्ड डिजाइन करके दो तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको क्रिएट डिजाइन दिख रहा होगा, तो आप क्रिएट डिजाइन में जाइए। तो क्रिएट डिजाइन में जाओगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, वीडियो, प्रेजेंटेशन, इंस्टाग्राम पोस्ट, डॉक्यूमेंट, पोस्टर, लोगो। तो सबसे पहले आपको एक सिंपल इंस्टाग्राम पोस्ट में डिजाइन करना सिखा रहा हूं, है ना। तो इंस्टाग्राम पोस्ट पे आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप पोस्ट पे क्लिक करोगे आपके पास एक ऐसा कुछ बॉक्स जैसा, व्हाइट बॉक्स जैसा आ जाएगा, है ना। अभी इस बॉक्स में हम जो भी डिजाइन बनाएंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो बॉक्स में हम डिजाइनिंग बनाना शुरू करेंगे, लेकिन डिजाइनिंग बनाने से पहले मैं क्या करूंगा, एक अच्छा सा कलर इस बॉक्स में रख दूंगा। तो जैसे ही मैं इस बॉक्स को ऐसे सिलेक्ट करता हूँ, ये देखो मैंने बॉक्स को सिलेक्ट किया, क्लिक करके वो सिलेक्ट हो जाएगा। अभी मैं इसका बैकग्राउंड, जो भी कलर मुझे यहाँ पे रखना है वो मैं सिलेक्ट करूंगा। उसके लिए मैं इस कॉर्नर पे, आप देखो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ऐसा ऑप्शन है,
तो मेरा जो भी फेवरेट कलर होगा उसको मैं ऐसे सिलेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे वो बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। जो भी कलर आपको सिलेक्ट करना है वो यहाँ पे आप कर सकते हो, है ना, इजी है। बैकग्राउंड कलर मुझे अगर इनमें से भी कोई कलर नहीं पसंद है तो मैं यहाँ पे कुछ एड अ न्यू कलर, यहाँ पे जाके ये जो पॉइंटर है सर्कल इसको मैं चेंज करूंगा, तो थोड़ा लाइट थोड़ा डार्क अलग अलग टाइप के कलर्स में ले सकता हूँ, है ना। देख रहे हो आप कैसे मैंने अलग अलग टाइप के कलर यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। जो भी कलर मुझे पसंद है वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो इस तरह से मुझे एक ऐसा कुछ कलर चाहिए तो मैं इसको ऐसे सिलेक्ट कर, है ना। तो बैकग्राउंड कलर हमारा रेडी हो गया, सिलेक्ट हो गया। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक बर्थडे कार्ड बनाना है ना। मुझे क्या करना है, आज का मेरा टास्क है एक बर्थडे कार्ड बनाना। तो आपको पता है कि जब भी हम किसी को बर्थडे विश करते हैं तो हम चाहते हैं कि हम उससे उसको केक देके विश करें, तो हम यहाँ पे ये चाहेंगे कि उसको हमें केक दे, यानी कि इस कार्ड में एक केक आनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, तो यहाँ पे आपको इस साइड अगर आप देखोगे तो टेम्पलेट्स एलिमेंट्स अपलोड्स फोटोज टेक्स्ट ऑडियो ये सब दिख रहा है। सबसे पहले आपको एलिमेंट में जाना है। कहाँ जाना है बेटा, एलिमेंट। और एलिमेंट में आपको आपको जो भी चीज अपने डिजाइन में चाहिए वो टाइप करनी है। जैसे कि मुझे अपने डिजाइन में चाहिए केक, तो मैंने केक टाइप किया और केक को मैंने सर्च किया तो मुझे बहुत सारे केक्स यहाँ पे दिख रही है ना। केक्स के बहुत सारे फोटोज भी हैं, केक के बहुत सारे ग्राफिक्स भी हैं, केक के वीडियोज भी मिलेंगे। तो मैं इन सब में से कोई अच्छा ग्राफिक सिलेक्ट कर रहा हूँ केक के लिए। तो देखो इतने सारे ग्राफिक्स में से मुझे जो सबसे अच्छा लग रहा है, यहाँ पे आपको दो टाइप के वर्जन दिखेंगे, एक तो प्रो वर्जन दिखेगा और एक फ्री वर्जन दिखेगा। तो हम ये ट्राई करेंगे बेटा कि फ्री वर्जन्स को यूज करके हमारे डिजाइन बनाए, है ना। तो आप यहाँ पे जो इतने सारे केक्स है उसमें से जैसे मैंने ये केक को सिलेक्ट किया, ऐसे इस पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, अरे केक यहाँ आ गई। तो आप जो केक है उसको आप यहाँ पे जहां भी सेट करना हो सेट कर सकते हो। केक को अगर मुझे थोड़ी बड़ी करनी है तो केक को सिलेक्ट करके इसको मैं कॉर्नर पे से ऐसे स्ट्रेच करूंगा तो केक क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। और अगर मुझे उसको लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करना है तो सिलेक्ट करके मैं लेफ्ट हैंड साइड, ऊपर लेके जाना है तो ऊपर, नीचे लेके जाना है तो नीचे। इस तरह से मैं अपनी केक को छोटी बड़ी कर सकता हूं। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि बैकग्राउंड का कलर और केक का कलर मैच नहीं हो रहा तो मैं फिर से क्या करूंगा, बैकग्राउंड का कलर, बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके यहाँ से बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दूंगा, कुछ ऐसा बैकग्राउंड का कलर या फिर कुछ ऐसा बैकग्राउंड का कलर या फिर ऐसा। तो मैं बैकग्राउंड का कलर भी जब चाहे तब चेंज कर सकता हूँ, केक भी मैं जब चाहे तब छोटी बड़ी कर सकता हूँ, है ना। तो ये आगे हमारी केक। केक के बाद अभी हम क्या करेंगे, तो हम जिसका भी बर्थडे है उसको हैप्पी बर्थडे विश करेंगे। सपोज राज का बर्थडे है, मेरा फ्रेंड है राज, उसका बर्थडे है, तो यहाँ पे मैं हैप्पी बर्थडे राज लिखना चाहूंगा। तो मैं एलिमेंट्स के नीचे अपलोड, अपलोड के नीचे फोटोज, फोटोज के नीचे टेक्स्ट में जाऊंगा और टेक्स्ट में मुझे अलग अलग टाइप के डिजाइनर टेक्स्ट मिलेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो अलग अलग टाइप के अलग अलग कलर के फॉन्ट्स मुझे दिख रहे हैं ना। तो ये सारे डिजाइनर फॉन्ट्स में से मुझे जो भी फॉन्ट अच्छे लगे वो मैं ले सकता हूँ। जैसे कि मुझे ये वाले फॉन्ट अच्छे लग रहे हैं, जैसे कि मुझे ये फन ऐसे फॉन्ट अच्छे लग रहे हैं या फिर ये स्वीट वाले फॉन्ट अच्छे लग रहे हैं, तो मुझे जो भी फॉन्ट अच्छे लगेंगे उसको मैं यहाँ पे रख दूंगा। लेकिन मुझे स्वीट नहीं लिखना है, मुझे तो लिखना है हैप्पी बर्थडे राज। तो मैं इसको सिलेक्ट करके और डिलीट कर दूंगा इतना पोर्शन, आप बैक स्पेस करके या फिर डिलीट करके इतना, और यहाँ पे मैं टाइप करूंगा हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, और जिसका भी बर्थडे है उसको मैंने विश कर दिया। तो आप देखोगे कि ये तो बहुत बड़े फॉन्ट से, तो इसको मैं अगर छोटे करना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं। तो ये जो बड़े फॉन्ट से इसकी मुझे अगर साइज कम करनी हो तो इनको मैं अगर सिलेक्ट कर लूं ऐसे, और यहां से 313 जो फॉन्ट साइज है उसको मैं ऐसे छोटी करता जाऊं, तो देखो धीरे धीरे फॉन्ट की साइज डिक्रीज हो रही है। इसको मैं 100 कर देता हूं तो ये मेरे फॉन्ट की साइज मैंने डिक्रीज कर दी, तो मेरा हैप्पी बर्थडे राज छोटा सा हो गया। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये इसको मुझे और अट्रैक्टिव बनाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, हैप्पी का कलर अलग कर सकता हूँ। तो हैप्पी को मैंने सिलेक्ट किया
और हैप्पी का कलर अलग करने के लिए मैं उसके टेक्स्ट कलर में गया और हैप्पी का कलर मैंने कर दिया ऐसे। अब देखो हैप्पी का कलर मैंने चेंज करके ब्लू कर दिया और मैं राज का कलर चेंज करके कर देता हूँ कोई और। तो ऐसे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आप ट्राई कर सकते हो, जैसे कि मैंने राज का कलर कुछ ऐसा कर दिया। तो देखो हैप्पी बर्थडे राज है, उसमें हैप्पी अलग कलर का आ गया, बर्थडे अलग कलर का आ गया, राज अलग कलर का। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें राज में आर कैपिटल होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाके जो आर लिखा है उसको मिटा के और कैपिटल आर यानी कि शिफ्ट आर कर सकता हूँ या फिर, और आर का कलर मुझे अगर रेड रखना है तो कलर सेलेक्ट करके रेड कर दिया। तो ऐसे अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि राज को मैं थोड़ा और ऐसे लिखूं कि हैप्पी के बाद, हैप्पी बर्थडे के बाद एंटर, ये थोड़ा और अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से आप अलग अलग फॉन्ट ट्राई कर सकते हो यहाँ से। और अगर आपको इस फॉन्ट की भी अगर पैटर्न चेंज करनी हो तो इसको सिलेक्ट कर लो आप, है ना, इसको आप क्या कर लो, सिलेक्ट कर लो और यहाँ से आप अलग अलग स्टाइल्स यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं ये स्टाइल यूज कर सकता हूँ, तो देखो हैप्पी बर्थडे राज ऐसा आ गया, ये स्टाइल यूज कर लो ऐसा आ गया। अलग अलग स्टाइल्स आप यूज कर सकते हो फॉन्ट के, है ना, बहुत सारे यहाँ पे फॉन्ट के ऑप्शंस अवेलेबल है आपको, जिस तरह से भी जो भी आपकी डिजाइन, ये आप अपनी क्रिएटिविटी यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो कि आपको कैसे फॉन्ट पसंद है, जैसे भी फॉन्ट आपको पसंद है वो आप यहाँ पे सेट कर दो। ऐसे कुछ भी कर सकते हो, ऐसे कुछ भी कर सकते हो, ऐसे कुछ भी कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे हाँ वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते। ये मुझे सबसे सही लग रहा है। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये एच कैपिटल होना चाहिए, तो एच को मैं कैपिटल कर देता हूँ, बर्थडे का बी कैपिटल कर देता हूँ। तो ऐसे क्या छोटे छोटे चेंजेस करके हम अपने डिजाइन को और इफेक्टिव बना सकते हैं। अभी और इसमें सेंटर में लेके आ सकता हूँ ऐसे करके, है ना, तो हैप्पी बर्थडे राज हो गया। अभी मेरा कार्ड अभी भी थोड़ा एकदम बेसिक लग रहा है, केक तो है इसमें, हैप्पी बर्थडे राज भी मैंने लिख दिया, लेकिन इसको मुझे और यहाँ पर मुझे कुछ और डेकोरेशन करना है। तो डेकोरेशन के लिए क्या होता है बर्थडे में, याद करूं, जैसे केक होती है वैसे बलून्स होते हैं, तो मैं एलिमेंट्स में जाऊंगा और बलून्स सर्च करूंगा। जो भी आपको यहाँ पे ऐड करना हो उसको आप सर्च करो। तो मैंने बलून्स सर्च किया तो मुझे बहुत सारे बलून्स के ऑप्शंस भी यहाँ पे दिख रहे हैं ना। तो इसमें से जो भी बलून मुझे अच्छे लगे उसको मैं यहाँ पे ऐसे लेके आए, और ऐसे मैं बलून को थोड़े छोटे बड़े भी कर सकता हूँ, है ना। तो अभी कुछ और अट्रैक्टिव लग रहा है। एक बलून का और एक सेक्शन मुझे यहाँ पे इस कॉर्नर में भी रखना, तो ऐसे रख दिया। और थोड़े बलून्स मुझे कुछ यहाँ पे भी ऐसे रखने हैं, तो मुझे जैसे भी बलून्स मुझे सेट करने हैं मैंने कर दिए, है ना। तो इस तरह से आप बलून्स हो गया, कैंडल्स हो गई, या फिर कुछ और हो गया, जो भी आपको अच्छा लगे, जिस पैटर्न का आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। केक भी है हमारे पास, बलून्स भी आ गए। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको थोड़ा और मैं अट्रैक्टिव बना सकता हूँ, तो थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं कुछ और डेकोरेटिव आइटम्स यहाँ पे रख सकता हूँ, है ना। तो मैं सर्च करूंगा कुछ डेकोरेशंस। डेकोरेशन जैसे ही मैंने सर्च किया तो मुझे अलग अलग टाइप के डिजाइन्स मिल रहे हैं ना। तो मुझे ये तोरण ऐसा मिला है, मैं तोरण यहाँ पे रख सकता हूँ। अभी तोरण का कलर मुझे चेंज करना है, तो तोरण को मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे उसका कलर भी आ जाएगा, तो मैं रेड या ऐसा तोरण रख सकता हूँ। तो हाँ अभी ये कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसा एक और तोरण मुझे चाहिए, तो एक और तोरण यहाँ पे रख दिया ऐसे। तो इस टाइप का मैंने डेकोरेटिव आइटम्स यहाँ पे रख दिए, या फिर इस कलर में भी हम जा सकते। तो अभी ये थोड़ा और अट्रैक्टिव लग रहा है तोरण, मुझे अभी और थोड़े बड़े कर रहे हैं, तो थोड़ा ऐसे उसको मैंने बड़ा कर दिया कॉर्नर में से स्ट्रेच करके। तो अभी ये हमारा डिजाइन ऑलमोस्ट अच्छा लग रहा है ना। और इसको अगर आपको अट्रैक्टिव करना हो तो आप क्या कर सकते हो, तो आप कोई भी अलग अलग डिजाइन यहाँ पे रख सकते हो, कोई भी अलग अलग सेक्शन यहाँ पे रख सकते हो। आप एलिमेंट्स में जो भी एलिमेंट्स आप सर्च करोगे, जैसे कि मैं ये वाली डिजाइन यहाँ पे रखना चाहता हूँ कि ये थोड़ा अट्रैक्टिव है ये डिजाइन, तो मुझे ये वाले। अब यहाँ पे आपको देखोगे तो आपको फ्री और प्रो दोनों वर्जन मिलेंगे, तो आपको ट्राई ये करना है कि फ्री वर्जन में से आपके डिजाइन बन जाए, ताकि आप जो फ्री टूल है उसको यूज करके भी आगे बढ़ पाओ, है ना। तो जो भी अलग अलग डिजाइन है उसमें से आपको, जैसे कि मैंने ये डिजाइन सेलेक्ट की, तो ये डिजाइन
इसको मैं यहां पकड़ के, इसको मैं अगर यहां से अगर आपको देखूंगी तो आपको रोटेट ऑप्शन भी मिलेगा, तो आप रोटेट ऑप्शन करके अपने डिजाइन ऐसे बना सकते हैं, है ना। अब ब्लैक कलर की जगह कोई और कलर चाहिए तो कोई और कलर हो गया, जो कलर आपको पसंद है वो कलर आप सेट कर सकते। यहाँ पे ये अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको मैं कुछ यहाँ पे ऐसे सेट कर सकता हूँ, थोड़ा और रोटेट कर सकता हूँ। तो इस तरह से मैं अपना बेसिक बर्थडे कार्ड बना, और ये अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको मैं कभी भी डिलीट भी कर सकता हूँ। कोई भी चीज आपको कभी भी हटानी है तो उसको आप डिलीट कर सकते हो। तो ये मेरा थोड़ा बेसिक डिजाइन ऑलमोस्ट बन गया है ना। तो इसको आप और अपडेट कर सकते हो और अच्छा बना सकते हो, आप इसको डिफरेंट वेराइटीज से ट्राई कर सकते हो। और अभी हम इसको और इस डिजाइन को और अट्रैक्टिव कैसे बनानी है वो हम अगले सेशंस में सीखेंगे। तो आज के सेशन में हमने ये सीखा कि कैसे आप कोई बेसिक डिजाइन बना सकते हो बर्थडे विश के लिए, या फिर दिवाली विश के लिए, या फिर आपको किसी को एनिवर्सरी विश करनी है, या फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस विश करना है। तो आप अगर कुछ ऐसा क्रिएटिव वर्क करोगे तो उसको बहुत अच्छा लगेगा, वो बहुत खुश हो जाएगा। और इसको आप अलग अलग तरीके के, आप इसमें एलिमेंट्स यूज करो, अलग अलग तरीके के फॉन्ट यूज करो, तो आपकी डिजाइन बहुत अट्रैक्टिव बन जाएगी। तो आई होप आपको ऐसी डिजाइन बनाना अभी आ गया। क्या करना है आपको, या तो एप्लीकेशन में जाना है मोबाइल पे से, या तो वेबसाइट पे से, आप पीसी में या लैपटॉप में भी ये डिजाइन बना सकते हो, या फिर आप इसको मोबाइल पे अपना एंड्रॉइड फोन है उसमें भी ये डिजाइन बना सकते हो। एंड्रॉइड फोन के लिए आपको चाहिए एप्लीकेशन कैनवा, और मोबाइल के लिए चाहिए आपको canva.com, है ना। तो ये जो डिजाइन बन गई, अभी मुझे इसको शेयर करना है, मुझे अभी इसको अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है, अपने मम्मी को दिखाना है, अपने पापा को व्हाट्सएप करना है कि देखो पापा मैंने ऐसी मस्त डिजाइन बनाई। तो आपको यहाँ पे डाउनलोड दिख रहा होगा, है ना। जब आप डाउनलोड में जाओगे तो आपको बहुत सारे फॉर्मेट दिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे मुझे एक फॉर्मेट दिख रहा है PNG, तो मैं PNG फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकता हूँ जो दिख रहा है हाई क्वालिटी इमेजेस। मैं JPG सिलेक्ट करूंगा तो उसमें क्या लिखा है, स्मॉल फाइल साइज। तो आप PNG कर सकते हो जिससे क्वालिटी आपकी अच्छी रहेगी, और उसको आप जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करोगे आपकी डिजाइन डाउनलोड हो जाएगी, है ना। तो ये मेरी डिजाइन अभी डाउनलोड हो रही है, और यहाँ पे मुझे अपने डिजाइन डाउनलोड होके मिल गए। तो जो मेरी डिजाइन है वो कुछ ऐसे दिख रही है, ये देखो। मैं अगर अपने डाउनलोड्स चेक करूंगा तो मुझे अपनी डिजाइन मिल जाएगी, है ना। तो हमने जो डिजाइन डाउनलोड की है वो मेरे डाउनलोड सेक्शन में आ गई, डाउनलोड्स में शो, हाँ ये रही मेरी डिजाइन। तो आई होप आपको ये जो डिजाइन है वो अच्छे से दिख रही है। तो देखा हमने कैसे इतनी अट्रैक्टिव डिजाइन बनाई। तो आप भी ट्राई करो, आप भी ऐसे डिजाइन बनाओ। तो आज का आपका ये टास्क है कि आपको ये डिजाइन बनानी है ना। अपने जो भी आपका फ्रेंड है उसके साथ मिलके आपको ये डिजाइन बनानी है, मतलब उसके साथ मिलके नहीं, उसके लिए कैसे यूज करना है कैनवा टूल वो आपको समझ में आ गया। अभी ये है हमारा रिकॉर्डेड सेशन, ये जो सेशन है वो लाइव सेशन भी है शाम को 6:30 बजे 29 अक्टूबर से 2 नवंबर तक, रोज शाम को 6:30 बजे आपको लाइव सेशन मिलेगा। एप्लीकेशन पे आपको लिंक मिल जाएगी कैसे ज्वाइन करना है। तो अगर आपने ये हैप्पी बर्थडे ग्रीटिंग कार्ड डिजाइन करने वाला सेशन अटेंड नहीं किया तो आप ये सेशन अटेंड करके पहले सीख लो। और आज से आप क्या करो बेटा, आज से आप लाइव सेशन ही अटेंड करो। लाइव सेशन अटेंड करोगे तो आप लाइव में आपके जो भी डाउट्स है वो सर से पूछ सकोगे और डिस्कस कर सकोगे कि और क्रिएटिव डिजाइन कैसे बनाए। तो हमारा ये रिकॉर्डेड सेशन, इसमें हमने आपको सिखाया कि बर्थडे कार्ड कैसे डिजाइन करते हैं यूजिंग दिस अमेजिंग टूल कैनवा। तो कैनवा का यूज करके आज का आपका ये टास्क है कि आपको अपने फ्रेंड के लिए बर्थडे कार्ड बनाना है। तो ये आप जरूर ये एक्सरसाइज करिए, ये टास्क करिए, और हमारी जो स्किल टैल की आपको एप्लीकेशन है उस पर हमें अपलोड करके अपने जो भी डिजाइन बनाए हैं वो हमें आप हमारे साथ शेयर कीजिए, हमारे साथ अपलोड कीजिए, ताकि हम आपको उसके रेटिंग्स दे पाए। जो पांचों दिन की डिजाइन बनाए, 5 दिन का वर्कशॉप है, हर रोज कुछ नया सीखेंगे उसमें, जो पांचों डिजाइन अच्छे से बनाएगा
उसको सर्टिफिकेट और विनर, ये दोनों विनर्स में हम एक अमेजिंग प्राइज देने वाले हैं। तो इस टूल का आप यूज कीजिए और ऐसे अमेजिंग डिजाइन आप बनाइए। ओके, थैंक यू सो मच इस सेशन को देखने के लिए। ये सेशन यूट्यूब पे है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए और उनको भी इनवाइट करिए हमारे इस वर्कशॉप में। आज वर्कशॉप का दूसरा दिन है, 30 अक्टूबर आज वर्कशॉप का दूसरा दिन है। आज ही आप ज्वाइन करके भी बहुत सारा नया लर्निंग, बहुत सारी नई डिजाइन, बहुत सारी नई क्रिएटिविटी सीख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।